बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिज़वान। आज हम करंट अफेयर की दूसरी एपिसोड लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आज 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जितने भी वाक़यात हुए हैं अराउंड द वर्ल्ड और पाकिस्तान के अंदर, जो एमसीक्यूज़ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस पीरियड के अंदर जो बहुत बड़े इजलास हुए हैं, एक SCO का इजलास हुआ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और इसके साथ साथ UN जनरल असम्बली का भी इजलास हुआ है। तो इसको भी देखेंगे कि इनके बैकग्राउंड के और ये कब बनी और इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो इलेक्शंस होते हैं, तो यहाँ पर भी तीन इलेक्शन हुए हैं रिसेंटली तीन मुल्कों में, उनका भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो इंटरनेशनल डेज मनाए गए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रिसेंटली होते हैं वो भी PPSC के अंदर आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज के एपिसोड में आप देख सकेंगे। तो चलते हैं स्लाइड्स की तरफ, मगर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि GK प्रिपरेशन हमारे साथ चलती रहे। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल क्वेश्चन है जी, अर्जेंटीना और मलेशिया के बाद किसने पाकिस्तान से JF-17 जेट्स मांगे हैं कि वो खरीदना चाहता है, तो इसमें कौन से कंट्रीज हमारे पास हैं। तो अर्जेंटीना और मलेशिया की खबरें आ चुकी थी, रिसेंटली किसकी आई है वो आपने मुल्क बताना है, आंसर्स आपको पता लगेंगे एंड में। नेक्स्ट है जी, चाइना और पाकिस्तान ने कंडक्ट किया है ज्वाइंट एंट्री टेररिस्ट एक्सरसाइज, किस सूबे में किया जी, बलूचिस्तान, तियानजिन, वुहान या KPK। नेक्स्ट, PM इमरान खान 76th सेशन ऑफ UN जनरल असम्बली से कब खिताब करेंगे या कब खिताब किया, तो 22nd सितंबर, 23rd सितंबर, 24th सितंबर या 25th सितंबर, आंसर एंड में। रिसेंटली PIA फ्लाइट दमस्कस में पहुंची है, कितने अरसे बाद लैंड किया PIA की फ्लाइट ने, 20 साल बाद, 21 साल बाद, 22 साल बाद या 23 साल बाद। ये एग्जाम्पलरी क्वेश्चन है ताकि आपको पता लगे कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, दुनिया के यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं वन बाय वन, डेट बाय डेट। तो 16 सितंबर मिस फरीना मजहर, ये सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने MOU साइन किया है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें ये कहा गया है कि टूरिज्म को जो है वो फ़रोग देंगे, किसके अंदर, SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन कंट्रीज के अंदर हम क्या करेंगे, टूरिज्म को फ़रोग देंगे। तो ये किस बीबी ने किया है, इस बीबी का नाम है मिस फरीना मजहर। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बेवफाई की है जी न्यूजीलैंड ने और उसके अंदर सिक्योरिटी कंसर्न का बहाना मार के 17 सितंबर को उन्होंने सीरीज जो है वो कैंसिल कर दिया। सो आपने यहाँ भी याद रखना है किस टीम ने ऐसा किया और किस तारीख को किया और किस वजह से किया। ठीक है जी, टिकटॉक ऐप है वो पाकिस्तान के अंदर उर्दू वर्जन का जो है सेफ्टी सेंटर बना रही है या लॉन्च कर चुकी है, तो उसमें किस ऐप ने उर्दू वर्जन सेफ्टी सेंटर पर बनाया है, वो टिकटॉक है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट PBS, ये इदारा है जो स्टैटिस्टिकल सर्वेज करके स्टैटिस्टिकल डाटा देता है हुकूमत को, तो इसमें लेबर फोर्स सर्वे का जो अभी रिसेंटली जो सर्वे हुआ है उसके अंदर ये कहा गया है कि इमरान खान की हुकूमत आने के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.8 से 6.9 पे चला गया, परसेंट पे चला गया, तो ये 1% बढ़ गया, ये अभी रिसेंटली इनका सर्वे का रिजल्ट आया जी। तो अब हम डिटेल से देखेंगे SCO को। आपको पता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 21st इजलास अभी हुआ है, उसमें जो मेन चीजें उठाई गई थी, जो मेन मुद्दा उठाया गया था वो ये उठाया गया है कि जो हमारे पास अफगानिस्तान की जो खित्ते में सूरत हाल है उसके ऊपर जरा फोकस किया जाए, वहां पर क्या होने वाला है, और रीजनल पीस के ऊपर बात की जाए। तो ये दो मेन मुद्दे थे जिसके ऊपर जो है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुई है। कौन सा इजलास था जी, 21st था, कहाँ हुआ जी, दुशंबे में हुआ। दुशंबे क्या है, ताजिकिस्तान का कैपिटल है। ठीक है, याद रखिएगा, जब घर में कोई ताज पैदा होता है यानी कोई बेटा पैदा होता है तो उसके लिए ज़िबा किए जाते हैं दो दुम्बे, इसलिए ताजिकिस्तान का है दुशंबे, यानी ताज पैदा हुआ तो दो दुम्बे किया दुशंबे, ये इस तरह करके ट्रिक से आपने याद रखना है। अच्छा जी, 21वीं मीटिंग थी, 17 सितंबर को स्टार्ट हुई, और जनरल सेक्रेटरी कौन है जी, जनरल सेक्रेटरी हैं व्लादिमीर इमामोविक नोरोव। ये कहाँ के हैं भाई, ये उज्बेकिस्तान के हैं, ये सेक्रेटरी जनरल हैं SCO के। ये कब अपॉइंट हुए जी, 10 जून को अपॉइंट पोजीशन इनको मिल गई और 1 जनवरी से ये इन्होंने अपना ओहदा जो है वो संभाला, अपना ऑफिस संभाला। ठीक है जी, ये याद रखिए कि व्लादिमीर इमामोविक
नौरव उज़्बेकिस्तान के 2019 से सेक्रेटरी जनरल हैं, एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, और बाकी आगे देख लेते हैं। इमरान खान की स्पीच हुई तो उसमें दो मेन बातें थी, जिसमें उन्होंने ब्लेरियस के साथ जो है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट किया कि उनको इनहेंस करेंगे, उनके साथ अच्छी जो है वो ताल्लुकात रखेंगे, और दूसरा सस्टेनेबल पीस और स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान की बात की कि इसके ऊपर भी हम जोर जरूर देंगे क्योंकि ये अब इस वक्त की जो है वो जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास है एससीओ का बैकग्राउंड। ये मैंने इसलिए दिया है, ये करंट अफेयर में इसलिए दिया है क्योंकि अब एससीओ की बात बहुत ज्यादा हो रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके बैकग्राउंड हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरेशियन है, यानी यूरोपियन और एशियन कंट्रीज पे है। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी अलायंस पे बात करती है, ठीक है, इसके ऊपर मुतहद करती है, यानी सियासी अंदाज लिहाज से भी और माशी लिहाज से भी, और ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी। इसको ये कब बनी थी? जून 2001 में बनी थी, ठीक है। कहाँ बनी थी? शिंगाई चाइना में बनी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? जो सेक्रेटेरिएट है वो शिंगाई चाइना में है, और जो हेडक्वार्टर है रैट्स का, अब रैट्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ये कहाँ पे है जी? ताशकंद उज़्बेकिस्तान में, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट इसके मतलब हो गए ऑफिसेस। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी चाइना और रशिया है। सेक्रेटरी जनरल कौन है जी? व्लादिमीर नौरव उज़्बेकिस्तान के। पहले कौन थे जी? जैंग देगोंग, ये कहाँ के थे? चाइना के, ठीक है। रेट्स के जो है वो चेयरमैन कौन है या जनरल कौन है? ये तो व्लादिमीर ओवरऑल है ना, तो रेट्स अभी आपको मैंने बताया रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसके हैं जुम्मा खान गियासोफ, ठीक है, ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान का एससीओ के अंदर कब किरदार आया या कब उसने ज्वाइन की। तो जुलाई 2015 में उफा के अंदर, एक जगह है रशिया का शहर है, तो रशिया के शहर उफा के अंदर 2015 में डिसाइड किया गया तमाम मेंबर्स का कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को शामिल कर लिया जाए, और जून में इसके ऊपर साइन हुए, और 9 जून 2017 यानी अगले साल जो है इसको ज्वाइन कर लिया गया एज अ फुल मेंबर। तो पाकिस्तान और इंडिया ये फुल मेंबर है। पाकिस्तान ने कहाँ पर ऑफिशियली खुद पहली दफा पार्टिसिपेट किया? आस्ताना। आस्ताना क्या है? मुल्क का नाम है, काजिकिस्तान के कैपिटल था पुराना अस्ताना, ठीक है। उसका ये है, आई होप सो ये अस्ताना वही है, ये देख लीजिएगा अस्ताना कहाँ पे है। अच्छा, 9 जून 2017 को पाकिस्तान ने ऑफिशियली जो है वो ज्वाइन किया है एससीओ, ठीक है, एससीओ। नेक्स्ट जी, इसके मेंबर्स कितने हैं जी? इसके फुल मेंबर जी 8 मेंबर हैं, ठीक है, 8 फुल मेंबर हैं। अभी इराक जो है वो ईरान है, इराक है, ईरान जो है वो उसको भी अप्रूव कर दिया, और ये उसको मिला के 9 आप कह सकते हैं, बट अभी तक वो ऑफिशियली जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन अभी लीगल तौर पर अप्रूव नहीं हुई, बल बना दिया है, अगले साल तक बन जाएगा 2021-22-23 तक। किसकी बात कर रहा हूँ? ईरान की बात कर रहा हूँ। तो उसको, ईरान को फिलहाल छोड़ें वो क्योंकि अभी बनने वाला है, तो उसको के अलावा जो है वो कितने हैं हमारे पास? हमारे पास है 8 कंट्रीज। अब 8 कंट्रीज को आपने याद कैसे करना है? एससीओ कंट्रीज हैं जो इसके फुल मेंबर्स हैं, वो 8 को याद करना है कि कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए कॉपरेट विद पेरेंट्स, अदरवाइज किक पुत्र, पुत्र को पड़ेगी क्या चीज? किक, यानी बाप की किक पड़ेगी, तो पेरेंट्स के साथ आपने कॉपरेट करना है। अब किक से क्या बनता है? काजिकिस्तान, इंडिया, चाइना, किर्गिस्तान, तो काजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये आपने दो याद कर लेने। नेक्स्ट जी, पुत्र फॉर, पी फॉर पाकिस्तान, यू फॉर उज़्बेकिस्तान, टी फॉर ताजिकिस्तान, आर फॉर रशिया, तो किक पुत्र अगर कॉपरेट नहीं करोगे, तो ये कंट्रीज का याद करने की ट्रिक मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट जी, हमारे पास अपकमिंग ईरान जो है, ये मैंने भी बताया कि ये भी अप्रूव हो चुका है, और अभी तक लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर 1-2 साल लगेंगे, तब ये फुल मेंबर बन जाएगा। ऑब्जर्वर में क्या है? ऑब्जर्व जो करते हैं लोग, वो क्या खा के करते हैं? अंबी खा के करते हैं, यानी आम शाम खा रहे हो ना, तो फिर बैठ के तसल्ली से वो कोई काम करते हैं, ठीक है। तो अंबी अफगानिस्तान, मंगोलिया, बी आई बिलोरस, ईरान, ठीक है, अंबी याद रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डायलॉग पार्टनर। डायलॉग पार्टनर से में आ जाते हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं? श्रीलंका, तुर्की, कंबोडिया, अजरबैजान, नेपाल, अर्मीना। इसके में ट्रिक अगर आप बताते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। डायलॉग करने के लिए आपको चीजें TCS करनी पड़ती है, ठीक है, TCS करनी पड़ती है, T फॉर तुर्की, C फॉर कंबोडिया, S फॉर श्रीलंका, और TCS करके आपने उनको क्या करना है? किसको TCS करना है? अन्ना को, ठीक है, अन्ना आप कोई भी अपने जेहन में रख लें, ठीक है, तो TCS अन्ना।
टीसीएस अन्ना, ये आपने याद रखना, ये डायलॉग कंट्रीज याद हो जाएंगे आपको जी। पीआईए जो है वो लैंड किया है 27 साल बाद, कहाँ पे किया है, दमस्कस में, दमिश्क में, और एयर मार्शल अरशद मलिक ने इसके बारे में बताया था, ट्वीट भी की थी, और ये आपने याद रखना है कि ये सीईओ हैं पीआईए के, अरशद मलिक, एयर मार्शल अरशद मलिक। अर्जेंटीना ने जो है वो JF-17 मांगे हैं और पाकिस्तान उसको जो है 2022 में दे देगा। अच्छा जी, बदर मसीह जो है इसने हराया है, किसको हराया है, इशप्रीत सिंह चड्ढा को, इंडियन है, और किसमें हराया है, रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में, कहाँ पे हुई थी, कतर में। चार सवाल इधर से बन सकते हैं। ताबिश गौहर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट थे ऑन पावर ऑफ एंड डेवलपमेंट पेट्रोलियम, तो उसमें जो है वो ताबिश गौहर जो है उनको जो है वो उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया इस मिनिस्ट्री से, ठीक है, स्पेशल मामले खसूसी जो थे बराए वजीर आजम, उससे इन्होंने रिजाइन कर दिया। क्या नाम है, ताबिश गौहर। न्यूजीलैंड टीम को जो है वो थ्रेट्स कहाँ से मिले, पाकिस्तान ने ये प्रोवाइड किया सबूत कि इंडिया से मिले, और किस बंदे को मिले, मार्टिन गुप्टल जो इंडिया का प्लेयर है उसकी वाइफ को मिले थे, ठीक है जी। ज्वाइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज हुई है, कहाँ पे हुई है, पब्बी में हुई है, ठीक है, याद रखिएगा, पब्बी कहाँ पे है, केपीके में है। अच्छा, कौन सा ये है सेंटर, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, NCTC, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, और ये पब्बी में है। और इधर ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो रैट्स मैंने आपको पीछे बताया, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, उसने ये करवाई है। इसमें किस किस मुल्क की जो है वो आई हैं, उसमें दो हैं, पाकिस्तान और चाइना की आर्मीज हैं, उन दोनों ने हिस्सा लिया और यहाँ पर टेररिस्ट एक्सरसाइज की है। तो ये रैट्स और SCO के तावुन से NCTC में पब्बी में ज्वाइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज हुई है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना ने हिस्सा लिया है। जनरल साहब ने क्या किया जी, सेंटर ऑफ इंटेग्रेटेड एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट का इफ्तिताह किया है। ये एक जो है वो स्पेशल इदारा बनाया गया, जिसके अंदर एयर डिफेंस बैटल के ऊपर इंटेग्रेशन के साथ काम किया जाएगा। और अच्छा जी, CEO KFC बनाए गए हैं ग्लोबल डिवीजन के, वो किसको बनाया गया, साबिर समी को, ये IBA से ग्रेजुएट है और CEO लगे हैं किसके, किस इदारे के, KFC के, KFC वो बर्गर वाली। अच्छा जी, फेक कोरोना वायरस की वैक्सीन नवाज शरीफ के नाम पे लगवाई गई, किस अस्पताल में लगवाई गई, गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल के अंदर ये बात हुई, ठीक है जी, नवाज शरीफ के नाम पे। सवाल आ सकता है कि किस प्राइम मिनिस्टर के नाम पे फेक वैक्सीन लगवाई और किस हॉस्पिटल में लगवाई, तो ये दो बातें आपको बतानी चाहिए। किस प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान की अपनी स्पीच में, UN जनरल असेंबली की स्पीच में तारीफ की, तो इसमें भाईजान ये बोरिस जॉनसन है, इन्होंने पाकिस्तान के इमरान खान की वो पौधे लगाने वाली स्कीम, यानी वो बिलियन ट्रीज वाली जो स्कीम है, उसके ऊपर बड़ी तारीफ की और बड़ी सराहा। ओवरव्यू ऑफ UNGA, आपको पता है जनरल असेंबली का इजलास हुआ है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास हुआ है 21 सितंबर से 27 सितंबर तक, 193 मुल्कों ने उसमें शिरकत की है। उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम उसके बैकग्राउंड को समझना चाहेंगे। तो बैकग्राउंड में सबसे पहले UNGA क्या है, एक पॉलिसी मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है UN का, ये एक स्पेशल बॉडी है जो ये काम क्या करती है, पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, असेंबली बना। इसके टोटल कितने मेंबर हैं, इसके 193 मेंबर हैं कंप्लीट, बाकी ऑब्जर्वर वगैरह। हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, इसका न्यूयॉर्क में है। मीटिंग कब होती है जी, हर साल के सितंबर में होती है। प्रेसिडेंट कौन बना जी, नवा बना है अब्दुल्ला शाहिद, कहाँ का है, मालदीव्स का। अभी सेशन कौन सा हुआ, 76, अगर भूल जाओ तो आपको पता है, 45 सॉरी, आपको पता है कि पाकिस्तान जो UN बनी थी, कब बनी थी, 1945 में। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल 2021 का आप देख रहे हो, तो 2021 को 1945 से आपने क्या करना है, माइनस कर देना। जैसे ही 1945 से माइनस करोगे आपके पास इजलास नंबर आ जाएगा, बहुत सिंपल है ये, ठीक है, क्योंकि ये हर साल हुआ है और 2045 से होता आ रहा है, तो 76 बनता है 2021 में। कब हुआ जी, 21 सितंबर से 27 सितंबर 2021 के अंदर ये हुआ है। अच्छा जी, 24 सितंबर को वजीर आजम ने स्पीच दी, वेरी इंपॉर्टेंट। कब स्पीच दी, 24 सितंबर को। क्या क्या बातें की जी, चार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात की है, वो देख लेते हैं चार इंपॉर्टेंट बातें क्या है। एक तो बात की इस्लामोफोबिया के, भाई इस्लाम के खिलाफ जितना भी टेररिज्म यानी खौफ फैलाया जा रहा है ये खत्म करें और इस्लाम से जो है नफरत को ना अरूज दिया जाए। नेक्स्ट किसके बाद बात हुई, पीस इन साउथ एशिया के, जम्मू एंड कश्मीर का जो सबसे बड़ा मसला है उसके ऊपर बात की कि वहां पर पीस को जोर दिया जाए और वहां पर जो है सिलेक्टिव अप्रोच
ना रखी जाए। अच्छा जी, फिर क्लाइमेट चेंज पे बात हुई तो आपको पता है पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो उसके ऊपर उनको फोकस दिया कि सारे के सारे मुल्क जो हैं वो इसके ऊपर फोकस करें और पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करें। और इसमें जो हमारे पास ट्रीज हैं वो 10 बिलियन ट्रीज का जो उन्होंने कहा कि हम अगले 3 सालों में पाकिस्तान में लगाने जा रहे हैं। फाइटिंग द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से हम क्या करें, हमने फाइट किया और स्मार्ट लॉकडाउन लगाया और इस तरह की बातें बताई कि हमने इस तरह करके ओवरकम किया है और हमने इकोनॉमी को भी बचाया कोरोना वायरस में, ये बातें भी थी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। अच्छा जी, पाकिस्तान फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड यूएन डेलीगेट है, उनका नाम क्या है जी, साइमा सलीम। इन्होंने क्या बात की थी, इन्होंने इंडिया के जो एलिगेशन थे उसके ऊपर यूएन जनरल असेंबली के अंदर स्पीच की थी, बड़ी लाजवाब स्पीच थी। और इसमें क्या आ सकता है, साइमा सलीम, ठीक है, ये पाकिस्तानी फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड यूएन डेलीगेट है, ठीक है। नेक्स्ट जी, अभी सवाल मैंने किसे किया था कि कौन सा मुल्क जो है वो मांग रहा है F-16 F-17 तैयारे, तो उसमें ये हमारे पास इराक है। पहले हमने अर्जेंटीना का पढ़ा था, उससे पहले मलेशिया का पढ़ा था और आज हमने तीसरा पढ़ा है इराक। तो ये 3 मुल्क हैं जिनको पाकिस्तान सप्लाई करेगा JF-17, ठीक है। फॉर्मर इंग्लैंड स्ट्राइकर है माइकल ओवन, इनको एज अ सिलेक्ट किया गया है ऑफिशियल एम्बेसडर, किस चीज के लिए, पाकिस्तान फुटबॉल लीग। जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट की है, इसी तरह पाकिस्तान फुटबॉल लीग अगले साल अप्रैल वगैरह में होगी फुटबॉल को लेकर, तो उसके लिए माइकल ओवन को सिलेक्ट किया गया है एज अ एम्बेसडर। तो 3 साल के लिए सिलेक्ट किया गया। और ये कौन थे, इंग्लिश स्ट्राइकर थे, यानी इंग्लिश के फुटबॉलर थे, स्ट्राइकर होता है जो आगे जाके खेलता है। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सुल्तान महमूद खान मेंगल, ये इंतकाल किया इस साल, इस महीने में 2 मेंगल हजरात का इंतकाल हुआ, एक तो जो हमने पीछे पढ़े थे सरदार अताउल्ला मेंगल 1 सितंबर को हुआ और अभी दूसरा हमने 2 सितंबर को हुआ, और दूसरा आज ये है कि 26 सितंबर को सुल्तान महमूद खान मेंगल, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड आर्मी मैन थे, 103 साल की उम्र में क्वेटा में इंतकाल कर गए। चेयरमैन जो है हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑन कश्मीर शहरयार अफरीदी साहब, इन्होंने जो है वो डोजियर दिया है किसको, एमनेस्टी इंटरनेशनल को, और उसमें इंडिया के जो अंदर कश्मीर के ऊपर जो उतने भी जुल्म हो रहे हैं उसकी फाइल उन तक की है। तो यहाँ पे पॉइंट जो है, पार्लिमानी कमेटी ऑन कश्मीर का चेयरमैन कौन है, तो वो शहरयार अफरीदी है। उसने कहाँ डोजियर दिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल में दिया, किसके खिलाफ दिया, इंडिया के मजालिम के खिलाफ दिया, कहाँ पे मजालिम हो रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है जी। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन आईटी के ऊपर जो है वो ज्वाइंट काम करने के लिए सीपैक ने मंसूबा शुरू कर दिया है। मिराज गुल जो है उनको अपॉइंट किया गया है नेशनल टेलीकॉम्युनिकेशन कॉरपोरेशन NTC के लिए, और NTC किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर वो काम करती है। तो ये थे हमारे पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चन, एक रहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो CEO हैं वसीम खान, उन्होंने रिजाइन कर दिया है रिसेंटली, और एक फीमेल प्रिंसिपल थी, उन्होंने नबी होने का दावा किया था, नाम था सलमा तनवीर, तो वो केस हार गई हैं और उसके जो डिफेंडेंट्स थे वो ये बात साबित करने में नाकाम रहे हैं कि ये ज़हनी तवाज़ुन इसका ख़राब है, तो उसको जो है वो सजाए मौत सुना दी गई है, ठीक है जी। तो ये है आज का पाकिस्तान अफेयर। क्वेश्चंस के आंसर्स जी मैंने बताया, अर्जेंटीना मलेशिया के बाद अब इराक भी जो है वो JF-17 पाकिस्तान से मांग रहा है, क्या बात है पाकिस्तान की। दूसरा जी, चाइना और पाकिस्तान ने जो है वो ज्वाइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज किया, किस सूबे में किया जी, पब्बी में किया, पब्बी शहर का जगह का नाम है और सूबे का नाम है KPK। नेक्स्ट जी, वैन इमरान खान एड्रेस 76 किस तारीख को किया था, एक खिताब 24 सितंबर को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, PIA लैंड किया दमस्कस कितने सालों के बाद, तो भाई 22 सालों के बाद किया, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। जी व्यूअर्स, तो अब हम वर्ल्ड के करंट अफेयर्स को देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर क्या क्या हुआ इन 15 दिनों में। हु इज द न्यू UN परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का UN रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाया गया है, जबीउल्लाह मुजाहिद, सुहेल शाहीन, अनवर मुखलिस और इजाज अहमद, इसका आंसर हम एंड में देखेंगे। द रिसेंटली अनाउंस सिक्योरिटी अलायंस AUKUS, इसके अंदर कितने कंट्रीज हैं, ये अभी रिसेंटली अलायंस हुआ है, इसके अंदर कितने कंट्रीज हैं AUKUS, तो AUKUS के अंदर कितने कंट्रीज हैं, ये 2, 3, 4, 5, इसको भी हम देखेंगे। वाटरवेज इन आवर कम्युनिटीज इज द थीम, ये किस दिन का थीम था, वाटरवेज इन आवर कम्युनिटीज, वर्ल्ड ओशन डे, वर्ल्ड रिवर डे, वर्ल्ड वाटर डे या वर्ल्ड अर्थ डे। नेक्स्ट
जो है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या 23 सितंबर। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब हम डिटेल देख लेते हैं करंट अफेयर्स को। तो हमारे पास सबसे पहली जो बात है वो ये है कि 76 सेशन जो हुआ है यूएन जनरल असेंबली का, इसके वो ये ओपन असेंबली ओपन कब हुई थी, 14 सितंबर को हुई थी। और इसी दिन जो हम पीछे पढ़ चुके हैं अब्दुल्ला शाहिद, तो अब्दुल्ला शाहिद जो मालदीव्स के थे, उन्होंने जो है वो हलफ उठाया था और 76 सेशन के बाकायदगी से मेरे उधर वहां पे अरेंजमेंट करके स्टार्ट किया गया 21 को। नेक्स्ट जी अफगान तालिबान लीडर हैं, इनका नाम जो है टाइम्स के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के अंदर आया और इन भाईजान का नाम है अब्दुल्ला गनी ब्रादर। अच्छा जी, ब्राइट स्टार की आपको पता है पिछली बार भी हम वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ब्राइट स्टार की जो है मशकें हो रही हैं, एक्सरसाइज हो रही है, आर्मी एक्सरसाइज हो रही है, जिसके अंदर 21 कंट्रीज ने हिस्सा लिया है। कहाँ पे हो रही है, इजिप्ट में हो रही है, किस शहर में हो रही है, मथरूह में हो रही है, किस बेस पे हो रही है, मोहम्मद नजीब बेस पे हो रही है। कब से कब तक है, 2 से 17। कंट्रीज कितने हैं, 21, और उन 21 कंट्रीज के नाम ये हैं। डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का फुल्का इजिप्ट, यूएस, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, साइप्रस वगैरह वगैरह याद रख लीजिएगा। अच्छा जी, स्पेस एक्स जो है एक कंपनी है, एरोनॉटिकल कंपनी है जो स्पेस मशीनरी बनाती है, उसने जी अर्थ सर्कलिंग ट्रिप जो पाकिस्तान दुनिया का पहला होगा, अर्थ सर्कलिंग यानी कि पूरे अर्थ का एक गोल चक्कर वो काट के वापस आएंगे और ऊपर से दुनिया को देखेंगे स्पेस में जाकर। ये गए कब हैं, 15 सितंबर को, वापस कब आ रहे हैं, 19 सितंबर को। इसमें कितने बंदे हैं, 4 बंदे हैं, जो सबसे नामी ग्रामी नाम है, जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उसका नाम है जैरेड इसाक मान। और इससे पहले जो है दो और भी स्पॉन्सर यानी अमीर बंदे जो है वो ट्रिप लेके गए हैं स्पेस में, उसमें रिचर्ड ब्रांसन और जेफ बेजोस, ये दो बंदे भी सैर करके आए, ये इसमें नहीं थे, ये पहले से इनके अलग ट्रिप थे। अच्छा जी, एक तो हो गया जैरेड इसाकमैन, और बाकी 3 कौन है, उसमें 2 लोग हैं वो कंटेस्ट विनर हैं, ठीक है, और एक जो है वो हेल्थ केयर वर्कर है। हेल्थ केयर वर्कर का नाम कुछ एक्रोनोक्स है और ये बेसिकली यंगेस्ट अमेरिकन होगी स्पेस में जाने वाली, इसी ये सबसे कम उम्र 3, और इसकी एक ये भी है कि ये डिसेबल है, ठीक है, और डिसेबल मतलब ये है कि इसके पैर में टाइटेनियम का रॉड लगा हुआ है लेफ्ट, तो ये फर्स्ट डिसेबल आप कह लेंगे लड़की होगी जो स्पेस पे जा रही है। अच्छा, तो ये 4 बंदे इस तरह पूरे हो जाते हैं, एक जैरेड इसाकमैन, दूसरी ये हेल्थ वर्कर जिसकी जो डिसेबल है, और लास्ट क्या है, 2 कंटेस्ट विनर है, ठीक है। स्पेस एक्स है क्या है, अब इसकी बात हुई है तो हल्का सा इसका इंट्रो आपको बताना बनता था। तो स्पेस एक्स बेसिकली एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है जो मुख्तलिफ चीजें स्पेस के रिलेटेड बनाती है। इसका हेडक्वार्टर हॉथॉर्न कैलिफोर्निया में है, 2002 में बनी थी, और बनाने वाले कौन थे, इलोन मस्क। और ये स्पेस एक्स जो है मुख्तलिफ चीजें बनाती है, जिसमें आपके नीचे कुछ लिखी हुई है, सैटेलाइट वगैरह, स्पेस क्राफ्ट वगैरह। वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को मनाया गया है और हर साल मनाया जाता है, और इसका मेन मकसद यह है कि प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। तो वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। नेक्स्ट जी, 16 सितंबर ही को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जो है एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाई है, जिसका काम जो है ये मरीन वाले जो सब मरीन वगैरह और मरीन यानी समुद्री इलाकों में ना जो है अपनी सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए। तो इसमें 3 मुल्क कौन कौन से हैं जी, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूएस है, इस वजह से इसका नाम है ओकस, यानी कि ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस, ए यूके यूएस। अच्छा, इसका है काम क्या, इंडो पैसिफिक जो एरिया है उसमें सिक्योरिटी लेके आना। अब तीनों कंट्रीज के जो है नाम आपके सामने है, प्रेजिडेंट्स के और पीएम्स के। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन, यूके के हैं बोरिस जॉनसन, और यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। इनकी ये मीटिंग हुई है, ट्राइलेटरल मीटिंग, और इसका नाम ओकस हो गया। अच्छा जी, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है 17 सितंबर को, ओजोन बनाया जाता है 16 सितंबर को, और ये है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। किसके कहने पे मनाया जाता है, WHO के कहने पे मनाया जाता है। मेन काम क्या होता है जी, हेल्थ केयर सेफर के तौर पर यानी पेशेंट्स की सेफ्टी के तौर पर काम किया जाए। चाइना ने अप्लाई किया है एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग के लिए, जिसमें 11 कंट्रीज ऑलरेडी हैं, और अपना जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर वो बढ़ाना चाहती है अपनी ट्रेड वगैरह और इंटरेस्ट वगैरह। तो इसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया ट्रेड मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, जो कि CPTPP के जो हैं वो हैं
रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनको दे दिया। उसका नाम है, उसका नाम नहीं लिखा हुआ। तो चाइना के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वैंग वेंटो, उन्होंने ये एप्लीकेशन दी है न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर को। और वो कौन है जी, CPTPP के वो हैं नुमाइंदा हैं। तो कम्प्रीहेंसिव एंड प्रोग्रेस एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बेसिकली क्या है, ये बराक ओबामा ने रिलेशंस एशिया के साथ सही करने के लिए, बाकी मुल्कों के साथ सही करने के लिए इन्होंने ये बनाई थी। और इसमें 11 कंट्रीज ने जो है वो 2018 में मजीद साइन किया था। और जापान जो है इस साल इसको जो है वो लीड करेगा इस समिट को, इन कंट्रीज को। अच्छा जी, 36th इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। कब किया गया था, 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। तो याद रखिएगा 18 सितंबर जो है वो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे है, जिसका मेन मकसद ये है कि साहिल समंदर पर जो चीजें हैं, जो गंदगी है उसको साफ किया जाए, ताकि जो साहिल समंदर रहने वाले जानदार हैं वो सही रह सके और समंदर भी पोल्यूटेड ना हो। तो इसको कहते हैं इंटरकोस्टल क्लीनअप डे। ये 10वां लगातार साल है ये मनाया गया। दो जापान की बहनें हैं और सबसे बूढ़ी औरतें हैं जो ट्विन हैं और जिंदा हैं, ठीक है जी, ओल्डेस्ट लिविंग आइडेंटिकल ट्विन्स कहाँ की है जापानीज की, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये। इलेक्शन हुआ जी 23rd, और जो प्राइम मिनिस्टर पहले भी थे, अब दोबारा वही करंट प्राइम मिनिस्टर भी वही बने हैं। तो उनका नाम क्या है, जेम्स ट्रूडो, ये 2015 से जो है लीड कर रहे हैं और पीएम है किसके, कैनेडा के। और तीसरी दफा फिर इलेक्शन के दौरान यही जीते हैं और नए वजीर आजम भी यही दोबारा बनेंगे। किस पार्टी से इनका ताल्लुक है, इनका पार्टी है लिबरल पार्टी, ठीक है, इनका किस पार्टी से ताल्लुक है, लिबरल पार्टी से। कितने प्राइम मिनिस्टर हैं, 23वें। नाम क्या है, जेम्स ट्रूडे। कब से हैं, 2015 से। अब कब बने हैं, 20 सितंबर को इलेक्शन हुआ उसमें भी भाईजान फिर जीत गए और तीसरी दफा बन गए। शेख हसीना आपको पता है कि पीएम है बांग्लादेश की, इनको अवार्ड मिला है एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड, बेसिकली एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव किए हैं इन्होंने, जो यूएनओ की तरफ से आए थे कि भाई ये गोल्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पूरे करने। तो ये इन्होंने बहुत स्टेडली आहिस्ता आहिस्ता मगर प्रोग्रेसिव तरीके से इसको अचीव किया, तो इस वजह से यूएन वालों ने इनको एसडीजी प्रोग्रेसिव अवार्ड दिया है। नेक्स्ट जी, अल्जाइमर डिजीज है, एक याददाश्त जिसमें बंदे की खो जाती है, तो उस डिजीज की अवेयरनेस के लिए 21 सितंबर को ये डे मनाया जाता है, अल्जाइमर डे। और इसकी जो सिम्टम्स वगैरह हैं, रिस्क फैक्टर्स वगैरह, उसकी नुमाइंदगी की जाती है। इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है ऑफ पीस, तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। और 21 सितंबर को पूरे दुनिया के अंदर ये कहा जाता है कि लड़ाई झगड़ा अगर कहीं हो भी रहा तो वो रुक दो, तो 24 घंटे के लिए रोक दिया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है 21 तारीख को, 21 सितंबर को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी जो है वो गाइडलाइन चेंज की है एयर क्वालिटी की, उसके अंदर जो स्टैंडर्ड था पहले, स्टैंडर्ड थोड़ा कुछ और था, अब स्टैंडर्ड जो उन्होंने कम कर दिया। पहले 25 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की ऊपर रखा हुआ था उन्होंने, अब जो है वो 15 माइक्रोग्राम पे ले आए हैं बात। और इसके साथ जो 10 ग्राम माइक्रोग्राम पे था, अब उसको 5 माइक्रोग्राम मिले। इसको मैं यूं समझा देता हूँ कि इनके ना एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है ना कि इतनी अगर ये होगी तो ये आपकी फिजा जो है ये खराब है, तो उसको पहले 25 पे रखा होता है कि 25 माइक्रोग्राम पे अगर है तो वो खराब है, अब उसको जो है वो उन्होंने कम कर दिया कि 15 पे भी आता वो एयर क्वालिटी उसकी क्या है, डेटोरेट है हवा की। और बेसिकली ये जो ऊपर वाली 2 है यानी 25 का बदलना 15 से, ये 1 डे की बात हो रही है। और एनुअली की अगर देखें तो वो 10 से 5 में डिक्रीज हुआ है, 10 माइक्रोग्राम से 5 माइक्रोग्राम में। आई होप आपको ये एनवायरमेंटल की चीजें थोड़ी बहुत समझ आ गई होंगी। एनवायरमेंट की बात आई है तो अगली चीज भी यही है कि WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है। उस रिपोर्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा, क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द इंटरकनेक्शन बाय सितंबर को। अच्छा, ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ना ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम, ये बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये इससे अभी जनरल असेंबली में इजलास शुरू होना है, तो ये जनरल असेंबली की इजलास से पहले पहले जो है मुख्तलिफ इदारे जितने भी होते हैं वो अपनी रिपोर्ट्स देते हैं और उसके अंदर अनाउंसमेंट्स करते हैं। तालिबान के जो नॉमिनेट हुए हैं स्पोक पर्सन या नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव यूएन के, उनका नाम है सुहेल शाहीन, ये क्वेश्चन भी मैंने शुरू में आपसे पूछा था।
इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। किसके कहने पे मनाया जाता है? यूएनजीए के कहने पे मनाया जाता है। और मकसद क्या होता है जी? आवाज उठाई जाए साइन लैंग्वेज के ऊपर। यूनिसेफ ने रिपोर्ट दी है जिसके अंदर उसने कहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को न्यूट्रिशन डाइट वगैरह प्रॉपर नहीं मिल रही। और ये कब रिपोर्ट दी है? 23 सितंबर को। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, फैट टू फेल द क्राइसिस ऑफ चिल्ड्रंस डाइट इन अर्ली लाइफ। तो ये इश्यू इसका है। नेक्स्ट जी, सऊदी अरेबिया, जो अब सऊदी अरेबिया, इसका किसी जमाने में नाम था किंगडम ऑफ नजद एंड हिजाज, तो अब इसका नाम जो है वो चेंज हुआ 1932 में। किसने नाम चेंज किया? किंग अब्दुल अजीज अल सऊद ने। और इसका क्या नाम रख दिया? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ये जो बात हुई थी, ये ऑर्डर जो हुआ था, ये 23 सितंबर को हुआ था 1932 में। तो इसी वजह से जो सऊदी अरब के लोग हैं वो इसको अपनी जो है एक किस्म का इंडिपेंडेंस डे तो नहीं कहेंगे, रेवोल्यूशन डे कहेंगे, कि इस दिन रेवोल्यूशन आया था और 91st बर्थडे इन्होंने मनाई है। और इस बार इनका जो स्लोगन था वो था अ होम फॉर अस। तो याद करने वाला है स्लोगन, अ होम फॉर अस। 91st बर्थडे 23 सितंबर को मनाई जाती है और इसका नाम चेंज हुआ था 1932 में। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड जो है ये बेसिकली चार, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जी चार जिसके कोने हो या चार जिसकी साइड्स हो। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में चार मुल्क हैं, कौन कौन सी हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान। दो एशिया के हैं, बाकी दो अदर कॉन्टिनेंट्स के हैं, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यूएस। तो इन्होंने जो है पर्सन टू पर्सन मीटिंग की है। कहाँ पे की है जी? अमेरिका में की है, यूएन जनरल असेंबली से खिताब करने ये सारे गए हुए थे। तो वहीं पे यूएस के अंदर बाइडन ने इनको दावत दी और होस्ट किया और इनसे उनकी मीटिंग यहीं पे हुई, कोऑर्डिनेटर। ठीक है, नेक्स्ट जी, J-16D, ये एक त्यारा है चाइना का। तो चाइना ने अपना जो एक एयर शो किया, उनकी अपनी कोई सेलिब्रेशन थी या जो भी था, उनकी कोई एक्सरसाइज थी, तो वहां पे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर की अपनी जो है सलाहियतें दिखाई है। किस के जरिए दिखाई है? J-16D। तो लेविस हैमिल्टन है, ये फार्मूला वन ड्राइवर है। इन्होंने 100 विंस जो है अपनी रीच पहुंची है और फाइनल रिसेंटली इन्होंने जो टाइटल जीता है वो रशियन ग्रैंड प्रिक्स का था। कब जीता है? सितंबर 26, 2021 में। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और फार्मूला वन का तो आपको सबको पता होगा कि फार्मूला वन क्या है, अगर नहीं पता तो फिर आप निदा आपके से पूछ लीजिएगा। वर्ल्ड रिवर डे क्या होता है? वर्ल्ड रिवर डे जी मनाया जाता है हर संडे, सितंबर के चौथे संडे, 4th संडे ऑफ सितंबर को हम वर्ल्ड रिवर डे मनाते हैं, जिसका काम ये होता है कि रिवर्स को जो वाटर बॉडीज है उनको जो है बचाया जाए, उनको कंजर्व किया जाए। और वाटरवेज इन आवर कम्युनिटीज इनका इस बार का थीम था। और इसको जो चेयर करते हैं वर्ल्ड वाटर डे को, उनका नाम है वर्ल्ड रिवर डे। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है, 26 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका मेन मकसद ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2013 में ये जो है कॉन्फ्रेंस की थी, हाई लेवल कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर ये कहा था कि न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल को और उसको इलिमिनेट करने के लिए आवाज उठाई जाए। तो उसके नाम से ये 26 सितंबर को ये मनाया जाता है। जर्मनी के अंदर इलेक्शन हुए हैं 26 सितंबर को। पहले कौन थी जी? चांसलर थी, अभी भी है, मतलब अभी इस्तीफा, मतलब जब नहीं आई वो चांसलर आएगा तो ये हट जाएंगी। तो इनका नाम है एंजेला मर्कल। ये 4 दफा ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुकी हैं और इस बार जो है ये इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। और ये पहली दफा हुआ है कि जो मतलब चांसलर हो और वो अगले इलेक्शन में खुद हिस्सा ही ना ले। तो 4 दफा ये ऑलरेडी जीत चुकी हैं, बहुत पुरानी, बड़े अरसे से ये जर्मनी की वाइस चांसलर थी और चांसलर थी सॉरी। और इनका अब जो बंदा आया है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD से ताल्लुक रखता है, ये याद रखिएगा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD से ताल्लुक रखता है। और ये एंजेला मार्कर की जगह लेगा, अब उसका नाम क्या है? ओलाफ स्कॉल्स। ओलाफ स्कॉल्स विल बी द न्यू जर्मन चांसलर। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड ने रेफरेंडम कराया और उसके अंदर उन्होंने हुकूमत ने पूछा कि क्या हम कानून में इजाजत दे दें सेम सेक्स की शादी की, यानी कि लेस्बियन और गे वाली जो कहानी है इनकी चल रही है यूरोपियन कंट्रीज की। तो उन्होंने इस पे वोट दे दिया है और ये कानून में तब्दीली हो जाएगी। और ये वाहिद वेस्टर्न यूरोप यूरोपियन कंट्री था जो स्विट्जरलैंड, जो इस कानून से बचा हुआ था। तो ये कानून उधर भी राइज हो चुका है, तो ये रिसेंटली खबर आई है।
वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है यूएनओ के कहने पर 27 सितंबर को, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को, इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है 21 सितंबर को। ये एक टाइमलाइन में आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इस बार इसका थीम क्या था जी, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका थीम क्या था, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। किसका थीम था ये वर्ल्ड टूरिज्म डे का, और ये डिजाइन कौन किसने किया था, ये किसने पेश किया था ये थीम, ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, यूएन डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उसी ने कहा था। और मेन वजह क्या है, पैनाडेमिक की वजह से ऐसा किया गया। जापान में भी जी इलेक्शन हुए हैं और फूमियो किशाडा जीत गए हैं और ये नई जो है गवर्निंग पार्टी जो है वो चलाएंगे और अनकरीब ये आपको पीएम बनने नजर आएंगे। जापान में इलेक्शन हुए हैं और फूमियो किशाडा जो है वो गवर्निंग पार्टनरशिप के इलेक्शन जीत गए और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। फीमेल प्राइम मिनिस्टर ट्यूनिस की सितंबर 29 को बन रही है, उनका नाम है नजला बोडेन रोमाधनी। ये इंशाल्लाह आप दो दफा रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फ्रांस ने हाई मल्टी बिलियन यूरो की जो है वो डील की है, डिफेंस डील की है, किसके साथ की है, ग्रीस के साथ। तो फ्रांस ने डील की है ग्रीस के साथ, बस हल्का सा इसको याद कर ले। नासा की कंपनी जो है वो जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड्स की स्टडी के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजेगी, कब भेजेगी, 16 अक्टूबर को भेजेगी और केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से ये जो है स्पेसक्राफ्ट जाएगा और किसको देखेगा, जुपिटर्स ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। आई थिंक मेरी प्रोनाउंसिएशन सही थी। अच्छा जी, वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है, ये बेसिकली जो मैरीटाइम यानी कि जो ट्रेड होती है समंदर के थ्रू या जो नेवल फोर्सेस होती है उनके लिए ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, जिसका मेन काम होता है कि इम्पोर्टेंस बढ़ाई जाए मैरीटाइम्स की और मैरीटाइम एनवायरमेंट की, मैरीटाइम शिपिंग की, उनकी सिक्योरिटी की। तो इस चीज की अवेयरनेस के लिए 30 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है। ये रिफ्यूजी हैं, इनका नाम है डॉक्टर सलीमा रहमान, अफगानी रिफ्यूजी हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान के अंदर बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तो यूएन रिफ्यूजी एजेंसी जिसका नाम है UNHCR, तो उसने जो है वो नैनसिन रिफ्यूजी अवार्ड जो है वो नवाजा है किसको, सलीमा रहमान को। ये हैं कौन, अफगानिस्तान से हैं मगर पाकिस्तान में पनाह ली हुई है यानी कि रिफ्यूजी हैं और 29 ईयर ओल्ड, ये उम्र इनकी जरूरी नहीं है। नैनसिन रिफ्यूजी अवार्ड मिला है, किसने दिया, UNHCR ने, ठीक है। ये थी जी आज के MCQs और सॉरी आज के करंट अफेयर्स और आज के जो आंसर्स हैं वो आपके साथ करते हैं। तो यूएन का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान ने किसको बनाया जी, सुहेल शाहीन साहब को बनाया है। और सिक्योरिटी अलायंस जो है वो ऑकस वो तीन कंट्रीज पे है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। नेक्स्ट जी वाटरवेज इन आवर कम्युनिटीज, ये क्या थीम है, ये फोर्थ संडे को मनाया जाता है, बेसिकली वर्ल्ड रिवर डे है, फोर्थ संडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है, ये वर्ल्ड रिवर डे है। नेक्स्ट जी इंटरनेशनल पीस डे का मनाया जाता है 21 सितंबर को। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे सारे। वीडियो करंट अफेयर की लंबी हो जाती है, गिला ना किया करें, बस पूरी वीडियो देखा करें। और बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब। तमाम करंट अफेयर प्रीवियस आपको यहाँ पे मिलेंगे, नेक्स्ट जो आएगा वो यहाँ पे एपिसोड 3 आपको मिली नजर आएगी, वो इंशाल्लाह 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 16 अक्टूबर को मैं अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।